हाँ भाई, हफ्ता कौन देगा? पैसे निकाल चल। अरे बहन जी, हमारे पास हफ्ता कहाँ से आया? हम तो डेली का कमाते हैं, 100-200 ही घर ले जा पाते हैं। आज से पहले तो तुझे नहीं देखा यहाँ पे। हम यहाँ नए आए हैं, कल ही हमने यहाँ अपना ठेला लगाया है। तो तुझे नहीं पता यहाँ बैठने का टैक्स देना पड़ता है? ये मेरा एरिया है। अरे मैडम जी, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कहाँ से आया टैक्स? आप देख लीजिए ना, हम गरीब को क्यों परेशान। गरीब है तू, ये ठेला चला रहा है तू, यहाँ पे रोज पैसे कमाता है, गरीब है तू। हाँ, मुझसे होशियारी कर रहा है। अबे मेरा एरिया है, जिसको चाहती हूँ ना वो यहाँ बैठता है, और जिसको नहीं चाहती हूँ ना उसका बाप कितनी मशक्कत कर ले, बैठ नहीं पाता यहाँ पे। पैसे निकाल। मैडम जी, हमारे पास कहाँ है? समझ में नहीं आ रहा को। हाँ, एक तो बिना पूछे तूने यहाँ पे ठेला लगा लिया, ऊपर से पैसे देने के नाम पे मुंह बना रहा है, तो कितनी कमाई करके बैठा है। मैडम जी, सुबह से बोनी भी नहीं हुई। बोनी नहीं हुई तेरी? हाँ, क्या है ये, झूठ बोलता है? पुलिस वाले से झूठ बोलेगा तू? तेरी तो बोनी नहीं हुई थी, कहाँ से आया? बाप रख के गया है क्या इसके अंदर? मैडम जी, गरीब आदमी है, ऐसा मत कीजिए मैडम जी। गरीब, होशियारी मत दिखा दियो, और कल फिर से आऊंगी। अगर कल तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरे ना ठेला और तुझे दोनों को उठा के यहाँ से फेंक दूंगी। होशियारी दे रहा है। अरे मैडम। क्या क्या मैडम, तू मुझसे बोलेगा? आधे मेरा बस चलेगा ना तो तेरा पूरा ठेला लेके जाऊंगी, और तू रोक के दिखा दियो। आज तो सिर्फ ब्रेड के पैकेट लेके जा रही हूँ, कल 2000 रुपए लेके जाऊंगी। हमारी क्या गलती थी? यही गलती थी कि हम गरीब हैं। हम तो आज उधार पे सामान लेके आए थे, कहाँ से चुकाएंगे उधार? शातिर हो रहा है, पैसे ना देना पड़े तो तूने जगह बदल ली है? मुझसे बच के चला जाएगा, बोल। मैडम जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कल वो सामान हम पूरा उधार पे लेके आए थे, अब सामान भी ले गए, पैसे भी ले गए, हमने उधार भी नहीं चुका पाया, आज फिर उधार से लेके आए हैं, तो आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमसे ये पैसे वैसे ना लिया करें। पैसे नहीं है तेरे पास में, तो ये खेल कहाँ से खरीद ली तूने? हाँ, बहुत मोमोज बेच बेच के तू पैसे कमा रहा, सब पता है मुझे। मोमोज की प्लेटें बेचेगा, कानून को पैसा नहीं देगा तू। मेरे एरिया में बैठ के मुझसे होशियारी कर रहा है तू? हाँ, पैसे निकाल, चल पैसे निकाल। मैडम ऐसा मत कीजिए मैडम जी। सीधी तरीके से तेरे को समझ में नहीं आती होगी बातें, अब देख टेढ़ी तरीके से कैसे निकालेगा तू पैसे। मैडम रुको, ये सब क्या कर रहे हो आप? तू बताएगा मुझे मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, कौन है तू? बोल, कानून से मुँह चलाएगा तू? निकल ले यहाँ से, ये तो दोनों को ना जेल में डाल दूंगी। इसका कुछ नहीं होना, ये तो गरीबी में छूटी आएगा, तू देख लियो, तुझसे तो अच्छे पैसे ऐठूंगी मैं। मैडम देखिए, आप अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हो, मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूँ। तू मुझे बताएगा इस वर्दी का गलत फायदा उठा रही हूँ मैं? हाँ, बचा लेगा तू इसे? बचा लेगा? पहले तो खुद ही बच जाइयो। मैडम मैं बस आपसे इतना बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, और आपको इसका सबक जल्दी मिलेगा। हाँ चल निकल, तू निकल यहाँ से। तू पैसे देगा कि नहीं देगा सीधे तरीके से? हाँ निकाल पैसे। मैडम हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, यहाँ छुपा के रखे हैं तूने पैसे? ये कहाँ से आ गए पैसे? मोमोज की प्लेटें बेचेगा लेकिन हमें नहीं देगा। अब तू देख, कल से तू यहाँ बैठ के दिखा, फेंकती हूँ तेरे को उठा के। निकल यहाँ से, हटा से यहाँ से। सही कहा, अब हम कल से ठेला लगा ही नहीं पाएंगे। हमारे जो भी पैसे थे वो तो ये ले गई। सर आपने बुलाया? हाँ मैडम, आपका ही तो इंतजार था मुझे। आप तो वही हो ना जो सुबह उस मोमोज वाले पे थे? अच्छा हुआ आपने मुझे खुद से ही पहचान लिया, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ, आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई दिख रही है मेरे को। नहीं सर, सर वो गलत एरिया में आके बैठे हुए थे मोमोज का ढेला, और सर आपको पता है वो ना खुद ही मेरे से ना दादागिरी कर रहा था कि मैं ना वीडियो बना लूंगा, तेरे को एक्सप्लोर कर दूंगा, और कुछ नहीं सर। और सर आपको पता है उसका ना खाना भी बहुत खराब है, लोगों की ना बहुत पेट में दिक्कतें हो रही है, मेरे पास रिपोर्टें आ रही थी, तो मैं तो वही चेक करने गई थी। तो अगर वो आपको हफ्ता देता तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती,
लोगों के जो उसके खाने से पेट खराब हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाता, जो गलत एरिया में लगा के बैठा है वो भी ठीक हो जाता। नहीं सर, मैंने कब हफ्ता मांगा? सर आपने शायद गलत सुन लिया होगा, सर वो मुझे हफ्ता देने की बोल रहा था कि मैं आपको हफ्ता दे दिया करूंगा, आप मेरे ऊपर केस मत करो सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा तुम मुझे झूठा साबित कर रही हो? सर सॉरी सर, आज के बाद कभी नहीं होगा सर। आज के बाद तो तब होगा ना मेघा, जब मैं तुम्हें मौका दूंगा। यू आर सस्पेंडेड। सर आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे घर परिवार का क्या होगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे घर परिवार का क्या होगा? तुम ये छोटे छोटे दुकानदारों से हफ्ता ले रही हो, उनके घर परिवार का क्या होगा? हमारा नाम गिरा रही हो पूरे में। सॉरी सर, आज के बाद कभी नहीं होगा। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, बैजेस उतारो और बेल्ट उतार के यहाँ पर रखो। सर प्लीज सर। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, SHO से मिलने आ रही हो और प्रॉपर ड्रेस में भी नहीं हो, कैप कहाँ तुम्हारी? वो तो सही हुआ मेगा कि मैंने इस कुर्सी पे बैठने से पहले ही तुम्हारी सच्चाई जान ली। तुम पता नहीं कितने गरीब लोगों को लूट चुकी होंगी अब तक, हमारे पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटा रखी तुम जैसे लोगों ने। आज के बाद कभी नहीं होगा सर, आखिरी गलती थी मेरी ये। बस बैजेस उतारो और बेल्ट उतारो जल्दी। निकलो जल्दी और सस्पेंड लेटर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा कल तक, जाओ।